गई है भाई, ये देखें लड़ाई हो गई है, ये गुस्सा है सारे लोग। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग ज़्यादा शुरू हो गया है, तो भाई कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है मैच का दिन है, तो हम लोग जा रहे हैं मैच के लिए, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होगा। आप सबको पता है अयानी भी अभी रेडी हो चुका है, इसने भी पेंटिंग कराई है, ये देखें देखो ये देखें कैसा लग रहा है, आप कमेंट्स में बताइएगा। तो बस अभी निकलते हैं मैच के लिए, और जो है शफकत मुनीब लोग भी आ रहे हैं, तो सब आपको दिखाएंगे और चलते हैं अभी स्टेडियम। स्टेडियम में रास्ता है यहाँ से पूरा, यहाँ से स्टेडियम जाने का, यहाँ से निकलेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ, वो लोग आ जाए, फिर साथ निकलते हैं यहाँ से। पहुँच गया हूँ, बड़ी मुश्किल से ये लोग मिले मुझे, तो मैं अभी ये लोग वो खड़े हुए वो देखें, और मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे पुल पार करके, मैं उस रोड से आया हूँ, ये देख सकते हैं, और इतनी मुश्किल से मुझे यहाँ पे मिले वो देखें, और अब जगह नहीं मिल रही रोड पे जाने की, मुझे जल्दी से रोड क्रॉस करते हैं और निकलते हैं। मैं पहुंच गया नहीं भाई, ये भी व्लॉगिंग कर रहा है, ये देखें भाई, अबे मैं यहीं खड़ा हुआ था, क्या बोलना चाह रहे मैं डाल दूंगा, तुम इनका सब्सक्राइब कर देना, हम दोनों डाल देंगे एक दूसरे का, ये भाई जगह ये बोल रहा है, तुम दो दो व्लॉगिंग करो एक साथ, मेरे मैं थक गया हूँ बोल बोल के, तुम बोलो भाई इधर चोर चकारी का बहुत डर है, जल्दी से निकलते हैं, वैसे लेट हो चुके, पता नहीं टिकट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा, बस निकलते हैं यार। चलो फिर यार निकलते हैं, और जो है और भी दोस्त आ रहे हैं तुझे जगह, वो भी आ जाए, फिर डायरेक्ट सब निकलते हैं एक साथ, ये देखें ये स्टेडियम हम पहुँच गए, रश चेक करें स्टेडियम पे कैसे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, गेट नंबर 9 भाई टच देखें, लोग पैदल भी आ रहे हैं, ये देखें ये लोग देखें पैदल भी आ रहे हैं सब लोग यहाँ पे, और हम लोग इनके सामने बाइकों पे आ रहे हैं, ये बहुत दूर से आ रहे हैं, मुझे कैसे आने के, ये तो शुरू से चल रहे हैं, बोलने व्लॉगर आ गया हमारे, ये देखे लोग कैसे आ रहे पैदल, इतनी दूर दूर दोनों को उतार दिया है हमने, वजन बहुत हो रहा था तो हम बाइक वहाँ पे, और ये किस तरह लोग आ रहे हैं पैदल पैदल साहब, वो रश देखे वहाँ पे, लाइन लगी हुई है इतनी बड़ी, यार क्या होगा इतनी बड़ी लाइन, वो देखे ये क्राउड चेक करें आप वहाँ पे, इतनी रश मैंने आज तक नहीं देखी, ये देखें लोग कैसे जमा हुए हैं ये लाइन से, वो दूर तक जा रही है लाइन, ये देखें बहुत बड़ी लाइन, हम लोग पार्किंग में पहुंच गए और काफ़ी दूर है स्टेडियम से पार्किंग, यहाँ पे हम पहुंचे, बाइक खड़ी करेंगे यहाँ पे और फिर स्टेडियम के निकलेंगे, तकरीबन हमें पैदल जाना पड़ेगा स्टेडियम तक, काफ़ी दूर है, तो पार्किंग यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी दूर रखी है, तो अभी पैदल जाना पड़ेगा और काफ़ी जो है वॉक करनी पड़ेगी, फिर जाके हम स्टेडियम जाके पहुँचेंगे, और लाइन में भी फिर लगना है, लाइन में लग के फिर हमें जो है टिकट दिखा के अंदर जाना है, बड़ी लंबी ख्वारी है भाई, कोई सिस्टम नहीं है, पता नहीं क्या है, पर फिर भी हम लोग जाएंगे, मैच तो देखना है किसी भी हालत में। यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम कैसा इन्होंने रखा हुआ है, सिक्योरिटी भी है यहाँ पे, कैमरामैन भी है, ये देख सकते हैं काफ़ी वहाँ पे जो है वॉक करनी होगी, फिर हम जाके वहाँ पे आगे पहुँचेंगे उस जगह पे, स्टेडियम यहाँ से काफ़ी दूर रखा हुआ है इन लोगों ने, गेट नंबर 9 बंद हुआ हुआ है, अब कहाँ से जाएँ, वो आगे वाले जो लंबी लाइन लगी हुई ना वो खुआरी वाली, अबे यार वहाँ से जाना पड़ेगा, रश चेक करें, अब वही रश है जिसको हम बता रहे थे दिखा रहे थे, हैं यार बड़ी रश है यहाँ से, गेट नंबर 10 से जाना पड़ेगा, सिर्फ 2 गेट खुले हुए हैं, 2 गेट से जाना पड़ेगा अंदर, और यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरा, ये रश चेक करें आप यहाँ से, कितनी रश है यहाँ पूरी रश हुई भी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं भाई कितना लेट हो गए, चलो चलो कहाँ वो रहा हमारा आदमी, हमारा बंदा मिल गया यार, ये रहा खड़े में, हम यहाँ से एंटर होंगे, हम ये देखें एंटर हो रहे हैं लोग,
सारे रश चेक करें। रश चेक करें यहाँ पे आप। अभी हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं और ये देख सकते हैं पूरा यहाँ पे आप काफ़ी लंबी लाइन के बाद ये देखें। और अभी हम सामान यहाँ पे रखेंगे। अभी तो बेटा ये सामान हम लाएँ, इसकी इजाज़त नहीं है, तो सामान हम निकाल के अंदर ले जाएंगे और बैग यहीं पे रख देंगे हम। ये जगह है बैग रखने की। टिकटें वगैरह पूरी चेक करा दी है यहाँ पे और अभी हम लाइन में लगे। यहाँ पे जो है हमारा गेट है एंट्रेंस होने का और ये पूरा स्टेडियम देख सक रहे हैं आप, पूरा स्टेडियम अंदर से काफ़ी शोर आ रहा है। तो यार हमने टिकट वगैरह सारी यहाँ पे भी स्कैन करा दी है, अभी हम निकल रहे हैं। ये गेट आ गया है हमारा और यहाँ से अभी हम इंटर होंगे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। पहला टाइम बाद तो यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, पिछले साल आया था तो अभी काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी रश लगी हुई, काफ़ी रश लगाई हुई इन लोगों ने यहाँ पर भी। ये लोग फंसे हुए अभी तक, ये देख रहे हैं ये तो अभी तक फंसे हुए हैं। मैं आ गया, मैं भी कैसे करके इधर उधर हो गए थके वके देख के मैं आ गया हूँ। और ये स्टेडियम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखें क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। वाह भाई क्या बात है, देख सकते हैं आप स्टेडियम क्या व्यू, ऐसा औसम देखते हैं आप पूरा यहाँ से। ये देखें आप पूरा, ये पूरी स्टेडियम की चेयर्स हैं यहाँ पे और काफ़ी मज़ेदार माहौल लगा हुआ है यहाँ पे। ये प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे नीचे से, ये देखें पूरा यहाँ से दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है यहाँ से पूरा, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है ग्रिल लगी हुई है ऐसे करके, तो यहाँ से आप स्टेडियम की तरफ नहीं जा सकते, इतनी हद बनाई हुई है इन लोगों ने। तो यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, ये पूरा देख सकते हैं, यहाँ से आपको सही से दिख रहा होगा पूरा। यहाँ पे हमारी जो क्रिकेट टीम है पूरी, वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है। यहाँ पे मैच अभी स्टार्ट होने वाला है, मैच होगा 7 बजे स्टार्ट, अभी आधा एक घंटा है, तो अभी प्रैक्टिस चल रही है। और ये स्टेडियम का पूरे का लुक आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा। मुनीब शफकत भी आ गए हैं, उनकी भी एंट्री हो गई है, ये देख सकते हैं आ रहे हैं ये लोग। और ये पूरा स्टेडियम का पूरा देख सकते हैं, हब सो रहा है यहाँ पर, गर्मी हो रही है, हवा नहीं चल रही यहाँ पे, देख सकते हैं ये लोग भी आ गए हैं। मैं यहाँ से आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की, पीछे चला दो, ये देखें आप यहाँ से जो है इधर आ गया, यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं, ये बाहर की तरफ है पूरा, यहाँ से स्टेडियम ज़ाहिर हो रहा है। और रश चेक करें आप बाहर गेट पर, कितनी आवाम खड़ी हुई है यहाँ पर, आप रश चेक करें यहाँ पे भैया। और यहाँ से इतना ऊपर है पूरा स्टेडियम, यहाँ से सही नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ से, देख सकते हैं आप सारी सीटें यहाँ से आराम से नज़र आ रही है। यहाँ पे हम सबसे टॉप पे आए हुए और इतना अच्छा है, यहाँ पे हवा चल रही है इतनी तेज़ यहाँ पे, और ये पीछे देख सकते हैं सीटें पूरी क्लियर नज़र आ रही है यहाँ से ऐसे करके थंबनेल पे। ब्लॉग बना रहे हो, चैनल देख रहे पूरा यहाँ पे है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे टॉप से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, वो देखें पूरा स्टेडियम यहाँ से, क्रिकेटर्स भी सही से नज़र आ रहे हैं, वो देखें जा रहे हैं यहाँ से, जूम कर उनकी तरह कौन है, कर दिया। भाई अभी मैच स्टार्ट होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है, तो अभी इंतजार का टाइम खत्म हो गया है, तो अभी बस शुरू होने वाला ही मैच और देख सकते हैं यहाँ से आप पूरा। और जो है अभी मैच स्टार्ट होने ही वाला है बिल्कुल, और अभी वेट नहीं हो रहा और काफ़ी जो है एक्साइटमेंट हो रही है, जो है काफ़ी टाइम बाद स्टेडियम आना हुआ है, तो देख सकते हैं सीटें अभी काफ़ी खाली लगी हुई है, लोग आ रहे हैं आते जा रहे हैं और इधर भरते जा रही है सीटें पूरी, देख सकते हैं आप। तो फिर ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको सब कुछ मिलता रहेगा, दिखाते रहेंगे आपको, बने रहिए। और अभी बस मैच स्टार्ट होने ही वाला है, अभी वेट नहीं हो रहा है, देख सकते हैं बस 5-10 मिनट रह गए मैच स्टार्ट होने में। लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, तो देख सकते हैं भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आगे। बहुत अच्छा लग रहा है। कौन जीतेगा? हमें तो पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा, चले ठीक है, देख सकते हैं आप कैसा जज्बा होगा। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैच स्टार्ट होने वाला है, पूरे स्टेडियम का लुक आप देख सकते हैं यहाँ से। हो गई है भाई, ये देखें लड़ाई हो गई है, ये गुस्सा है, सारे लोग अंदर घुस गए, ये देखें हालत देखें यहाँ पे, फटा हो गया है यहाँ पे स्टेडियम के बाहर। वो देखें, वो देखें आते जा रहे हैं लोग, ये देखें लोग आते जा रहे हैं अंदर, ये देखें
भाग दौड़ में, यहाँ पे भाग दौड़ हुई है इतनी, यहाँ पे देख देख सकते हैं कैसे हंगामा मच गया है, लोग आते जा रहे हैं यहाँ से, देख सकते हैं पूरे बिल्कुल हंगामा मच गया है यहाँ पे। फोटो तो कटे रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। इसके साथ प्रैंक हो गया, इसके साथ नेशनल एंथम अभी हो रहा है पाकिस्तान का, अभी वो आपको दिखाते हैं पूरा। पाकिस्तान ने अभी दे दिया है 159 का, तो देखते हैं अभी क्या होता है, मैच शुरू हो जाए। तो अभी जो हमने ब्रेक में हम आए यहाँ पे बाहर खाने पीने के सामान लेने, तो खाना पीने का सामान लेने, काफ़ी रश है यहाँ पे, और आगे चलते हैं खाने पीने का सामान लेते हैं। रश बहुत है यार यहाँ पे, रश बहुत है, लोग टूट पड़े हैं ये देखें खाने पीने की चीज़ों पर। ये लोग ये खड़े हैं, बेवजह इन जानवरों को भी कुछ खिला दिया करो, ये कभी मांगते नहीं है लेकिन भूख इन्हें भी लगती है। इसको अभी ना असर हुआ है दिमाग में पाकिस्तान के हारने का, और इसको खुशी हुई है, इसको खुशी हुई है, इसको दुख हुआ है। ब्लॉग को ये एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।